मालवा मंडी में गुलाबी सुंडी के हमले कारण पिछले साल नरबे की फसल बुरी तरह प्रभावित हो गई थी, जिस कारण किसानों आर्थिक नुकसान झलना पाया। इस बार फिर मुड़ तो नरमे की फसल उपर गुलाबी सुंडी ने हमला बोल दिया, जिस कारण किसान फिर तो प्रभावित हुए हैं। किसानों वालों जी अपनी नरमे की फसल है वह बाही जा रही है। भाई जी फसल वही है, की कारण है, किन्नी फसल थी, ठीक होंगे? चार किली थी गुलाबी सुंडी के कारण वाई। की कहोगे किन्ना खर्चा हो गया, या कोई अधिकारी इतने आया की कहें? अधिकारी कोई साले का अधिकारी आए थे जी, अधिकारी कहते इन्होंने फुल तोड़ तोड़ के बाल्टी के बीच पा, वो फुल तोड़ तोड़ के दहाड़ी ला के चाकू साफ हो गए, बाल्टी च भी पा ली, बाल्टी च पाए फिर आए फुल, फिर भी गुलाबी सुंडी आ गई जी। मालवा मंडी में गुलाबी सुंडी के हमले कारण पिछले साल नरबे की फसल बुरी तरह प्रभावित हो गई थी, जिस कारण किसानों आर्थिक नुकसान झलना पाया। इस बार फिर मुड़ तो नरमे की फसल उपर गुलाबी सुंडी ने हमला बोल दिया, जिस कारण किसान फिर तो प्रभावित हुए हैं। किसानों वालों जी अपनी नरमे की फसल है वह बाही जा रही है। अज मानसा के पिंड भलाई के पहुंचे, जिथे किसान गुरविंदर सिंह ने अपनी नरमे की फसल वाही है। गल करते हैं भाई जी, फसल वाही है, की कारण है, किन्नी फसल थी, की कहोगे? चार किली थी गुलाबी सुंडी के कारण वाही। पिछले गेड़े भी गुलाबी सुंडी लेट आई है, धुक्की पैलियाँ चल गई, तो करके सू बहना पे। की कहोगे किन्ना खर्चा हो गया, या कोई अधिकारी इतने आया की कहें? अधिकारी कोई साले का अधिकारी आए थे जी, अधिकारी कहते इन्होंने फुल तोड़ तोड़ के बाल्टी के बीच पा लो, वो फुल तोड़ तोड़ के दहाड़ी ला के चाकू साफ हो गए, बाल्टी च भी पा ली, बाल्टी च पाए फिर आए फुल, फिर भी गुलाबी सुंडी आ गई जी। फिर की करिए हूँ, अधिकारी तो हूँ फुटवा खिचा के फुलों ना वग जाते जी, तो जो उन्होंने कहने कुछ करो तो कह देंगे असं की करिए, जा सरकार नूं कहो, सरकार नहीं कोई वो भी सानू तो मुआवजा दिता जाए जी। भाई जी वड्डी फसल पद्धर तेड़ी जी, नरमे की फसल इस बार फिर तबाह हो रही है, किसान फिर फसल वाह रहे हैं, की कहोगे? पिछले गेड़े तो जो गुलाबी सुंडी का हमला है जी, नरमे के अखीर से जाके होया सी, इस तरह नरमे बीजा तकरीबन 2 महीने होए है, सुंडी का अटैक बहुत ज़्यादा हो गया। इतने खेतीबाड़ी महकमा आ फुलों नाल फोटवा खिचा के बह के मुड़ जाता है, उन्होंने असं जो असी सवाल करते हैं भी तुसी कोई हल करो, वो कहिंदे भी इहदे कोल साडा सुंडी दे कोई हल नहीं, साडे कोल डायरैक्टर साहब भी आए सी, डायरैक्टर साहब नूं असीं आखिया भी जां तां सानूं कोई तुसीं यकीन दवाओ भी इहदा हल हो जूगा, असीं नरमे ते खर्चा करिए। डायरैक्टर साहब कहिंदे भी सा इहदे फुल तोड़ो, तुसीं तोड़ के ते इहनां फुल्लां नूं नष्ट करो, वो असीं उवें ही करिया जी, फुल तोड़ के नष्ट करते, पर उस तों बाद जिहड़े नवें फुल आए उन्हां ते भी सुंडी दा अटैक बहुत ज़्यादा हो गया। असीं साडा ब्लाक झनीर दे खेतीबाड़ी महकमा आया सी, उन्हां नूं सवाल कीता भी तुसीं हल करो जां तुसीं सरकार नूं हत्थ खड़ा करो, क्योंकि किसानां नूं आड़ती के गुड़चा देण हट गए जी। जो असीं उन्हां नूं कहा, वह कहिंदे भी असीं सरकार नूं हत्थ खड़े नहीं कर सकते, सानूं तनखाह सरकार बंद कर दू, भी चलो सानूं तां तनखाह मिल जाणी है जी, इह किसानां दा बुरा हाल है, खुदकुशियां कर रहे हैं, साडे धरती हेठला पाणी माड़ा जी, नहरी पाणी नहीं आ रहा, कल्ले हुण नरमा वाधा, झोना नहीं साडे लगदा, गवारा नहीं हुंदा, मूंगी नहीं हुंदी जी, कल्ली कणक बीजू, किसान कोल खुदकशी करन तों इलावा कोई चारा नहीं, 12 तों 15 हज़ार रुपये तो खर्चा हो चुका है, असीं मुआवजे की मांग करते हैं भी सानू 50 हज़ार रुपया सरकार प्रति एकड़ मुआवजा दे। भाई जी की कहोगे हुण, इहदू बाद कोई होर फसल का हुण हल नहीं हैगा क्योंकि पानी माड़ा है, की कहोगे? भाई जी ना तो साडे गमारा होगी, ना साडे मूंगी होए, पानी माड़ा, नहरी पानी साडे आउंदा नहीं, हुण तुसीं मीडिया वाले आए हो, असीं झिनीरों 5 कैंपर थोड़े वास्ते झिनीरों पानी पीण नूं लैके आए हुए हैं, साडे पीण योग पानी भी है नहीं, असीं खड़े हैं झिनीरों लैके आए पानी भी थोड़े वास्ते। की मांग करते हो सरकार तो? सरकार तो असं मांग करते हैं जी, सूँ कोई मतलब भाखड़े मौका दिता जाए, मतलब भी अभी मूंगी गुमारा बाजरा कर लिए, चंगा पानी आ जाए जी साढ़े को, हूँ पानी तो बिना साढ़े कोई फसल नहीं बीजती जी, बस हम कणक बीजा जो सरों बीजा बेला रखा, फिर यह हल किस तरह होगा जो फसल तो बाह दी है? फिर यह हल तो जी हूँ सरकार ही कर सकती है जी, हूँ खुदकुशियां के राह ही पैणगे नहीं किसान जी, फिर की करेंगे? मुकन सिंह जी लगातार जोड़े किसान है वो नरमे की फसल वाह रहे हैं, की मांग करते हो? देखो जी 2021 भी गुलाबी सुंडी ने मार करी, इन्हों 2022 भी शुरू हो, 2021 सरकार ने 17,000 दे के पला झाड़ लिया, पर लगातार 2 साल फसल का मारिया जाना
अति जे कह दिए किसान वास्ते माड़ी है, कुछ सरकार की करोपी है, कुछ कुदरत की करोपी है। साड़ी मंग है कि जेडे झनीर ब्लाक के पिंड ने इन्हों का थलड़ा पानी माड़ा है, इन्हों एक स्पैशल भाखड़ा के मोगे ला के दते जा, क्योंकि जे नरमा नहीं हों बदलवी फसल मूंगी या गवारा कर माड़े पानी तो हो नहीं रहा। दूजी साड़ी मंग है कि सरकार 60,000 रुपया प्रति एकड़ इन्हों मुआवजा दे, जो गरदौरी करावे वो गरदौरी तसली बख्श हो, ना हो 2021 वगू किसान बख बख सारे दफ्तर के धक्के खाते फिरन, भी जो गरदौरी हो तसली बख्श हो जो मुआवजा है वह 60,000 रुपया प्रति किला दे, तो नहीं तो फिर भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर वालों इस पर संघर्ष लड़ाया जाऊगा लोगों लेकर होर कोई राज। बिल्कुल, जिस तरह से सुनिया किसानों का कहना है कि जो उन्होंने बंद का मुआवजा दिता जाए, उ वीके जू सिद्धूपुर का कहना है कि किसानों तुरंत जो गरदौरी करवा के और गरदौरी भी सही होवे ता कि किसान पिछली बार की तरह खज्जल खुआर ना होण, उन्होंने जो मुआवजा वो जल्द दिता जाए ता कि किसानों कुछ ना कुछ आर्थिक राहत मिल सके। किशम गोयल, पिंड भलाई के मानसा। होएगी किसानों की गल, नवी खेती मशीन बीजा ते बागां की गल लेके चलांगे तुहानू रंगले पंजाब दे खेतां वल। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच, सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 7:30 बजे D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com कानून जायदाद दा। D5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।